आज मैं आपको हिंदी का अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब हिंदी का, इसको स्वर बोलते हैं, स्वर मतलब इंग्लिश में आपने पढ़ा है ए ई आई ओ यू, वॉयल होते हैं, वॉवेल मीन्स बिना ए ई आई ओ यू के कोई भी इंग्लिश का शब्द नहीं बनता है। इसी तरह से आज मैं आप लोगों को हिंदी में वॉवेल मतलब स्वर बताऊंगा, बिना इसके आप हिंदी का कोई भी शब्द लिखेंगे तो अधूरा रहेगा। शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आपको बताएंगे, आपको इंग्लिश का थ्री लिखना अगर आता है तो आप हिंदी का आधे से अधिक वॉवेल वाला पोर्शन अर्थात स्वर लिख पाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक थ्री बनाना है। थ्री बनाए, आप क्या करते हैं थ्री का ऐसे पूंछ निकाल देते हैं, पूंछ नहीं निकालना, आपको सिर्फ थ्री बनाना है। ये हमने थ्री बनाया, फिर उसके बाद क्या करना है, थ्री बनाने के बाद फिर एक इधर बीच से ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है। बीच से लाइन खींचने के बाद फिर एक ऊपर से एक लाइन, देखिए ये दोनों लाइन मिला रहेगा, और इसके ऊपर टोपी जरूर पहनाना है, बिना टोपी का आदमी सुंदर नहीं लगता। इसका उच्चारण हम लोग करते हैं अ, अ मीन्स जैसे आपका नाम है अ म र अमर, तो ये अ हो गया, ठीक है। अब हम अ के बाद सीखेंगे आ, आकार मात्रा होता है तो आ में भी ठीक ऐसे ही हम अ बनाएंगे। पहले ये देखिए, आप पहले इंग्लिश का थ्री बनाइए, ये जो बीच में से एक ऐसे लाइन खींचिए माइनस का चिन्ह, उसके बाद एक लाइन ऐसे सीधी लाइन खींचना है दोनों को मिला के, और ये ऊपर टोपी जरूर पहनाना है। ये अ हमने बनाया, आकार आ की मात्रा, ये एक लाइन ऐसे खींचा हमने, ये आ हो गया। देखिए अ और आ में क्या अंतर है, एक जैसा, सिर्फ ये मात्रा अलग से है। इसका उच्चारण कैसे करेंगे, आ आम, या फिर मम्मी को बुलाते हैं मम्मी आ, पापा आ, इसको आ बोलते हैं, इसको बोलते हैं अ, अ से अ म र, या फिर अ से अ च ल, कोई भी शब्द बनेगा इसका उच्चारण करेंगे अ, इसका करेंगे आ। अब इसके बाद ई की मात्रा होती है, ई में दो तरह से, एक हर्षी एक दीर्घी, बांग्ला में बोलते हैं ना हर्षोई दीर्घई, वैसे ही हिंदी में छोटी ई और बड़ी ई भी आप बोल सकते हैं, बहुत आसान है। करना क्या है, आपको सबसे पहले एक छोटा सा ऐसे लाइन खींचना है, छोटा सा लाइन, उस लाइन के ऊपर एस बनाने आता है कैपिटल एस, आपको करना क्या है एक छोटा सा ऐसे लाइन खींचना है सबसे पहले, और लाइन के ऊपर आपको कैपिटल एस बना देना है, बन गया कैपिटल एस, और कैपिटल एस बना करके इसका ऐसे पूंछ निकाल देना है, और इसके ऊपर अगेन टोपी। हिंदी का जितना भी स्वर या व्यंजन, हिंदी का जितना भी अक्षर लिखेंगे सबके ऊपर टोपी जरूर पहनाना है, सुंदर लगता है ना इसके लिए। अभी ये हो गया छोटी ई, छोटी से क्या बनता है इमली, ई म ली, या फिर आप क्या बोलेंगे इंदुर, इंदुर चूहा को बोलते हैं बांग्ला में, इंदुर बोलते हैं ना, तो हमको इंदुर के लिए ये ई लिख सकते हैं, छोटी है तो बड़ी भी आएगी। अब हम लोग फिर से बड़ी लिखेंगे, बड़ी लिखने के लिए क्या करना है, आपको अगेन एस बनाना है, देखिए एक छोटा सा डाढ़ी ऐसे लीजिए, छोटा सा लाइन खींचा, लाइन के ऊपर हम ये एस बना लिए, कैपिटल एस बनाया, एस बना करके उसका ऐसे पूंछ निकाल दिया, यहां भी वही किया ना, अभी इसके ऊपर टोपी दे देंगे, ये हो गया हमारा छोटी ई, और इसके ऊपर हम एक सी बना देंगे, ये सी, ये हो गया बड़ी ई। अभी आपने सीखा अ, अ से अमर, आ, आ से होगा आम, या फिर आ जा बोलते हैं ना आ जा, उसके बाद छोटी ई, ई से इंदुर बोलेंगे या फिर इमली बोल सकते हैं, और बड़ी ई से बनता है ईंख, या फिर इधर ई, इसको हम लोग उच्चारण करेंगे इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में हम क्या करते हैं इंग्लिश का ये ई है, वैसे ही हिंदी में इसको हम ई बोलते हैं। तो आपने सीखा अ आ
छोटी ई बड़ी ई, औ आ छोटी ई बड़ी सी के। अब हम सीखेंगे ऊ, ऊ से क्या बनता है, ऊन या उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। तो ऊ के लिए हमको क्या करना है, देखिए ये थ्री बनाया था आपने, यहां भी आप एक थ्री बनाएंगे और थ्री के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा ऊ, क्या होगा ऊ, बिल्कुल। अब ये छोटा ऊ है, जैसे यहां हमने छोटी ई बनाया था, ये छोटा ऊ हो गया। अब हम करेंगे ऊ, उसका उच्चारण करते हैं ऊन, जैसे ऊन बोलना होता है। तो ऊ के लिए फिर से हम एक थ्री बनाएंगे, थ्री बनाया, थ्री के ऊपर ये लाइन खींचा और फिर इसका हनुमान जी का पूंछ बना देंगे, कैसा हनुमान जी का पूंछ, ये देखिए फिर से दिखाता हूं, ये जो है, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे हमने थ्री बनाया, थ्री के ऊपर एक डाढ़ी दिया और यहां सेवन आप बनाते हैं ना, देखिए ये ऐसे आ गया सेवन, इंग्लिश का सेवन मतलब हिंदी इंग्लिश का थ्री और इंग्लिश का सेवन मिला के ये बन गया बड़ा ऊ, आ छोटी बड़ी ई छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद आता है ऋषि, आप लिखते हैं ऋषि, ऋषि का री आता है, उसे री कहते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है, लाइन खींचने के बाद लाइन के ऊपर एक और लाइन टोपी बना दिया, इसके बाद इधर से एक लाइन और इधर से एक लाइन, इंग्लिश में कैसे के लिखते हैं ना हम लोग, के कैसे लिखते हैं, ऐसे लाइन खींचा, ऐसे लाइन खींचा और ऐसे, के होता है कैपिटल के, हम के ठीक उल्टा के इधर बनाया, देखिए ये लाइन के का है और ये वाला मुंह इधर कर दिया, ठीक है। ये त्र भी बनता है और ये हिंदी में अभी त्र है। अब इसके बाद हमको री बनाना है, री के लिए के बना दिया उल्टा, अब इधर एक लाइन, देखिए सब में हम लोग अ में भी लाइन खींचा, इसमें भी खींचा, तो यहां एक लाइन खींचा और इस लाइन के नीचे छोटा सा एक ऐसे लाइन और यहां सी बना देते हैं, सी बनाया आता है ए, बोलते हैं ए, ए लड़का जैसे कहते हैं। ए के लिए आपको क्या करना है, ए के लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश का टू बनाना है, आप टू ऐसे बनाते हैं, टू बनाने के बाद यहां से एक लाइन ऐसे ऊपर जाएगा और इसमें टोपी लगा देंगे, फिर से दिखाता हूं, देखिए ये टू जैसा बनाया हमने, ये टू ऐसे बनाते हैं इंग्लिश में बनाया और इसके बाद जैसे सेवन हम लोग ऐसे सेवन लिखते हैं, ये सेवन का निशान ऊपर की तरफ चला जाएगा, देखिए ये ऐसा है और इधर एक टोपी दे दिया, कैसे लिखना फिर से देखिए, ये टू बनाया और यहां ऊपर से ले आके ऐसे और इसको जोड़ दिया, ये हो गया ए ए ए ए, ठीक है। अब हम बनाएंगे ए, ए से क्या होता है, ऐनक, चश्मा पहनते हैं ना उसको हिंदी में ऐनक बोलते हैं, ऐनक के लिए क्या करना, आपको ए बनाना है और ए के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच के इधर बोली, ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में नाइन लिखते हैं ना ऐसे लिखते हैं, उसी नाइन को थोड़ा टेढ़ा करके इधर लगा देना है, तो ये हो गया आपका ए। अब सीखेंगे ओ बनाना, ओ लिखते हैं ना ओ ख ल, ओ खल होता है या फिर ओ झ ल, आपके आप सामने सड़ जाना उसको ओ झल बोलते हैं। ओ बनाने के लिए हमको सबसे पहले अ बनाना होगा, अ के लिए मैंने क्या सिखाया है, आप ऐसे पहले थ्री बनाएंगे, थ्री बनाने के बाद इधर बीच से एक लाइन खींचेंगे, फिर ऊपर से एक लाइन खींचेंगे, ये अ हो गया, अ में इधर डाणी देंगे, ओ बनाना है ना तो पहले आ बनाएंगे हमने, अ और एक लाइन खींचा तो आ हो गया और इसके ऊपर हमने ए बनाया था, ऐना बोला, यहां एक ऐसे लाइन खींचेंगे, थोड़ा तिरछा लाइन लिखेंगे, ये हो गया आपका ओ, ठीक है। ओ के बाद हम बनाएंगे औ, औरत, उच्चारण करते हैं क्या, औरत, तो उसको औ बोलते हैं। औ के लिए हम फिर से ये अ बनाया, आपने अ बनाया था, फिर अ में आ की मात्रा दिया, आ हो गया, आ के बाद ये एक है, हम ऊपर दो बनाएंगे, इसका मतलब है ये एक मात्रा ऐसा और एक और दो बार ऐसे करेंगे तो ये औ हो जाता है, ओ और औ। इसके बाद क्या बनाना है, अंग, अंग मतलब अंगूठी, हाथ में पहनते हैं ना हम लोग अंगूठी, या फिर बाजार से आप क्या खरीद के लाते हैं, ग्रेप्स,
उसको बोलते हैं अंग, अंगूर। तो नाक से उच्चारण होता है, उसके लिए फिर हम अ बनाएंगे। ये अ बनाया हमने, अ के ऊपर इधर एक बिंदी, बिंदी लेडीज लोग लगाती है ना इधर बिंदी, वो बिंदी आपको इधर लगा देना है, छोटा सा बनाना है। ये अंग हो गया, उच्चारण कैसे होगा, अंगूर या अंगूठी में ये अंग होता है। इसके बाद हम लिखते हैं अह, अह कैसे लिखेंगे, फिर से अ, सब में अ का उच्चारण आता है, ध्यान दीजिएगा। ये हमने अ बनाया और इसके बगल में एक बिंदी इधर और एक बिंदी नीचे, मतलब एक बिंदी ऊपर और एक बिंदी नीचे अ में, तो ये अह बन जाता है। फिर से देखिए, ये देखिए हमने थ्री बनाया, थ्री बना के ऐसे लाइन खींचा और ये अ बनाया और एक बिंदी इधर और एक बिंदी इधर, ये अ हो गया। आया कर्टेन सीखा हमने, अभी हम सीखेंगे क, ख, ग, घ, अंग। इसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन। जैसे सबसे पहले क बनाने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले सी बनाना है। सी बनाने के बाद ऊपर से एक लाइन खींचना है ऐसे, और ऊपर से ये लाइन। अब अगर आप देखें तो इसको व बोलते हैं, व, वक, या फिर आप इंग्लिश में बोलते हैं ना वन, तो वन उच्चारण करते हैं, ये वो अलग व है, ठीक है। व का ऐसा इधर से उल्टा सी बना दिया, ये क हो गया, ठीक है। आपने दो शब्द सीखा, दो अक्षर, क, व और क। क के बाद हम सीखेंगे ख, ख कैसे बनता है। ख के लिए आपको मैंने बताया था जब ए बना रहे थे तो ये टू बनाया, टू बनाने के बाद मैंने व बनाना सिखाया था, मतलब इधर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ये रॉ होता है, वैसे ऐसे टू जैसा बना देंगे तो ये हिंदी में रॉ बनता है, और ये आ का मात्रा हो गया तो रा हो गया, लेकिन हमको लिखना है ख। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन खींचा और ये व जैसा बनाया, यहां हमने बनाया था ना, जैसे ये मिटा दिया अगर तो ये व बन गया, वही व हमने यहां बनाया। तो ये रॉ और व ये मिल करके इसको ऊपर लाइन दे दीजिए, ये ख बन गया। आपने सीखा ख, ख से क्या बनता है, खरगोश, या फिर क्या बनता है, खजाना, या फिर क्या बनता है, खम्मन, वो गुजरात में लोग खाते हैं। तो ये हम सीखेंगे ग, ग से क्या बनता है, गमला, जिसमें फूल लगाते हैं गमला। ग के लिए क्या करना है, आपको पहले एक ऐसे लाइन खींचना है हाफ सी, इसके बाद यहां ये गोला बना दिया, ठीक है, और इधर आ का मात्रा हमने लगाया था ना, ये ऐसे और ऊपर लाइन, ये हो गया ग। फिर से देखिए, ये देखिए सबसे पहले ये हाफ सी जैसा बनाया, सी बनाने के बाद उल्टा है, उसके बाद इसमें एक गोली बना दिया, फिर यहां से एक लाइन खींचा और ये ऊपर लाइन खींच दिया, ये हो गया ग, क, ख, ग। इसके बाद आता है घ, घ से क्या बनता है, घड़ा, जिसमें पानी रखते हैं घड़ा, या फिर घ से उच्चारण होता है घोड़ा। घ के लिए क्या करना है, हमने वहां थ्री बनाया था, या हम उल्टा थ्री बनाते हैं, या फिर एक सी बनाएंगे। देखिए ये एक सी बनाया हमने, फिर एक सी थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे, हो गया सी और उसके नीचे सी, उसके बाद इधर से एक लाइन खींचेंगे, ये सी इसमें मिला रहेगा, और ऊपर से इसको ढक देंगे, ये हो गया घ। घ से घंटी, घ से घोड़ा, घ से घड़ा, ग घ हो गया। अब इसके बाद आता है अंग, अंग के लिए फिर हमने वहां बनाया था ना, देखिए ऐसे लाइन खींचेंगे, इसके ऊपर छोटा सा ऐसे लाइन, और उसके बाद ये बड़ा वाला एस, कैपिटल एस हमने बनाया, और कैपिटल एस बनाने के बाद यहां एक बिंदी, बिंदी हमने लगाया था, ये हो गया अंग, क, ख, ग, घ, अंग। देखेंगे च, छ, ज, झ और इय। देखिए च के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचेंगे, लाइन के नीचे ये ऐसे ऐसे जैसे फोर बनाते हैं ना हम लोग इंग्लिश का फोर, ऐसे फोर बनाते हैं, तो फोर का ये वाला पार्ट ले लेंगे, या फिर आप एल बोल लीजिए। ये बनाया हमने पहले लाइन, फिर ऐसे, और फिर ऊपर से एक लाइन और टोपी, ये च हो गया, च मीन्स चम्मच। फिर से देखिए, आप पहले एक ऐसा लाइन बनाएंगे, लाइन के नीचे एक एल बना दिया, ठीक है, शर्ट का पॉकेट जैसा, फिर ऊपर से ये लाइन ऐसे आया और ऊपर
सब में ऊपर वाला डाढ़ी, ये हो गया च, च से चम्मच। च के बाद हम क्या बनाएंगे, छ बनाएंगे। छ कैसे बनाएंगे, देखिए छ के लिए फिर से हमने घ बनाया था ना, एक छोटा सा लाइन लेंगे, उसके नीचे एक सी बनाएंगे, ठीक है, इस सी को थोड़ा और ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, और इसका पूंछ बना देंगे और ऊपर लाइन, ये छ हो गया। फिर से देखिए, ये हमने छोटा सा एक लाइन बनाया, फिर ऐसे सी बनाया, हाँ सी बनाया, और सी बनाने के बाद फिर ये जो सी है फिर ऐसे ले गए ऊपर, धोती बनाते हैं ना ऐसे, और फिर इसका ऐसे पूंछ बना दिया, ये छ हो गया, च छ। अब छ से क्या बनता है, छवि, छवि बोलते हैं हिंदी में, उसका उच्चारण छवि करते हैं, च छ। अब ज लिखेंगे, ज से क्या होता है, जहाज। ज लिखने के लिए जैसे हमने पहले एक लाइन इधर दिया था, ये देखिए एक पहले ऐसे लाइन दिया, लाइन लेने के बाद इधर ऐसे एक लाइन खींचा, ठीक है, ऊपर से एक लाइन लिया और इसको मिला दिया, ये ज हो गया, ज से जहाज। फिर से देखिए, ये ऐसे एक लाइन लिया, फिर ऐसे नीचे बनाया, फिर ऊपर से एक लाइन, ये ज हो गया। ज के बाद फिर हम लिखेंगे झ, झ से झरना या फिर इंडिया का फ्लैग झंडा। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ई बनाया था ना हम लोगों ने, छोटी ई, ऐसे छोटी ई बनाए, मतलब ये लाइन खींच के कैपिटल एस, या इसका पूंछ बना देंगे। पूंछ बनाने के बाद इधर से एक लाइन और खींचेंगे और इसको मिला देंगे और ऊपर लाइन खींच देंगे, ये हो गया झ, झ से झंडा, झ से झूला। और इसके बाद लास्ट है उसका इया, इया बोलते हैं, उसके लिए सबसे आसान है, ये उल्टा सी बना दीजिए या हाफ ओ, इधर बीच में एक छोटा सा लाइन और ऊपर से एक लाइन ऐसे और इसको बंद कर दीजिए, ये हो गया इया। आपने सीखा च छ ज झ इया।